हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र के उपयोग के बारे में। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस वीडियो को में संधारित्रों के उपयोग देखने वाले हैं। तो संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूज ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का जो आपका संधारित्र है उसका यूज किन किन चीज़ों में होता है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जानते हैं संधारित्र का उपयोग, जानने से पहले आप सबसे पहले ये जानिए कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसी मशीन होती है जो क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को चार्ज करते हैं, जैसे किसी की वस्तु को चार्ज देते हैं, तो क्या करता है अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, सोक कर लेता है, मतलब रोक लेता है, और जरूरत पड़ने पर अचानक उस एनर्जी को क्या करता है, छोड़ देता है। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र होता है जो एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, रोक लेता है, और जरूरत पड़ने पर तुरंत ही छोड़ देता है। तो इसका जो फर्स्ट उपयोग है वो आपका है आवेश को संचय करने में। मतलब अब कहने की बात वही है कि आवेश का संचय, मतलब आवेश को अपने अंदर रखने की क्षमता भी संधारित्र के उपयोग में आती है। इसका मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। जब किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी चालक में जो संधारित्र एनर्जी दी जाती है तो वो अपने अंदर रोक लेता है, और जब इसको किसी चीज़ से कनेक्ट किया जाता है तो अचानक ही उसको एनर्जी दे देता है। ऊर्जा का संचय करने में, जब हमें इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाले यंत्र में, अथवा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाला यंत्र है आपका साइक्लोट्रॉन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जिससे ऊर्जा का संचय करना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब संधारित्र अपने अंदर एनर्जी को सोक करता है, मतलब ऊर्जा के संचय को रोकता है, तो जब साइक्लोट्रॉन में हम संधारित्र को लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है कि जब एनर्जी देता है तो वो इलेक्ट्रॉन उससे त्वरित होने लगते हैं। इसमें भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका है वैद्युत उपकरण में। तो वैद्युत उपकरण में संधारित्र का उपयोग कैसे होता है? तो आपने देखा होगा कि बिजली के जो पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है, जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जब जितनी देर वो चलता रहता है तो अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, सोक कर लेता है, मतलब रोक लेता है, अपने अंदर एनर्जी का क्या है, संचय कर लेता है। और जब हम दोबारा पंखे को चालू करते हैं तो वो उसे एकदम से पावर दे देता है, जिससे पंखा क्या होता है, गोल गोल नाचने लगता है। तो ठीक है, वैद्युत उपकरण में भी संधारित्र का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, अब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कैसे होता है, आपने प्रेस देखा होगा, तो प्रेस में क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है। जब हम वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही है, जब हम उसमें एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, रेड रेड जलने लगता है, और क्या होता है, प्रेस में आवेश आ जाता है और जिससे वो गर्म होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी इसका उपयोग बहुत किया जाता है, जिससे उच्च विभव को कम करने में। यार आपने देखा होगा कि जब हम उच्च विभव देते हैं किसी चीज को, अभी हमने वान डी ग्राफ जनित में बताया था कि हम जब किसी स्रोत से उच्च विभव देते हैं तो वो वैद्युत मोटर के द्वारा जब उसमें धनावेश निकलता है तो पट्टे के द्वारा क्या होता है कि मतलब ऊपर जाता रहता है और आवेश की सतह में फैल जाता है। तो वही रेडियो तरंगे या टीवी की जो तरंगे होती हैं उसको प्रसारण करने में भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन करने में, संधारित्र में विभिन्न उपकरण व प्लेटों के वेग त्वरण या वैद्युत क्षेत्र में रखकर विभिन्न खोजों को इससे ज्ञात किया जाता है। संधारित्र के द्वारा जब इसमें एनर्जी को सोक करने की क्षमता होती है, जब किसी उपकरण को चालू करना होता है तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब संधारित्र उसको एकदम से एनर्जी देगा तो उनकी वैज्ञानिक खोजों में मतलब की सुचारू रूप से मतलब व्यवस्था जो होती है संधारित्र के द्वारा की जाती है। तो आई होप आपको जो संधारित्र के सब उपयोग हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।